अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिवान में पुलिस भी अब शराब पीने से बाज नहीं आ रही है। ताजा मामला सिवान के पुलिस लाइन में पदस्थापित एक कांस्टेबल का मामला सामने आया है। स्थानीय बदरुद्दीन हाता के निवासियों का आए दिन शिकायत मुफस्सिल थाना में जा रहा था कि पुलिस लाइन में पदस्थापित मोहन सिंह नामक कांस्टेबल के द्वारा शराब पीकर आने जाने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार या फिर स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार का मामले को लेकर लोगों ने थाने में शिकायत की थी। अब जैसे ही मोहन सिंह शराब पीकर पुलिस लाइन से बाहर बदरुद्दीन हाते की तरफ निकल रहे थे, तभी स्थानीय निवासी उन्हें पकड़कर फोटो और वीडियो बनाने लगे और कई तरह की बातें करने लगे। हालांकि जैसे इसकी सूचना स्थानीय मुफस्सिल थानाध्यक्ष विनोद सिंह को मिली कि एक पुलिस कांस्टेबल के साथ इस तरह से स्थानीय लोग फोटो और वीडियो ले रहे हैं, जो कांस्टेबल नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून को तार तार करके शराब पीकर नशे में धुत है, तुरंत स्वयं थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह मामले की जानकारी लेने बदरुद्दीन हाता पहुंचे और वहां से कांस्टेबल मोहन सिंह को अरेस्ट कर सदर अस्पताल भेजा, जहां ये चेकअप किया गया कि सही में कांस्टेबल शराब के नशे में है या फिर लोग ऐसे ही अफवाह बना रहे हैं। हालांकि सदर अस्पताल में उपस्थित डॉक्टरों के द्वारा जब जांच की गई तो कांस्टेबल मोहन सिंह शराब के नशे में धुत पाए गए। जब हमारी बात मुफस्सिल थाना अध्यक्ष विनोद सिंह से हुई तो उन्होंने बताया कि लोगों के द्वारा ये सूचना मिल रहा था कि पुलिस लाइन में पदस्थापित एक कांस्टेबल के द्वारा शराब के नशे में लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि जांच में ये पाया गया कि कांस्टेबल शराब के नशे में थे, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको सबसे पहले न्यूज इंड तक पर दिखा रहे हैं, जहां नीतीश कुमार की पुलिस ही शराबबंदी की जमकर धज्जियां उड़ा रही है और शराबबंदी को मजाक बनाया जा रहा है। क्या हुआ, क्या मसला हुआ, कहां से अरेस्टिंग हुई आपकी? पुलिस लाइन में मैंने लगा नियंत्रण में, वहां से हम, अरे कौन पुलिस पकड़ी है, कौन थाने की पुलिस पकड़ी है, क्या क्या कुछ कारण क्या रहा है? कुछ नहीं कारण था, कुछ नहीं। यहां सदर अस्पताल में लाया गया था कि शराब पी है या नहीं, यहां चेक भी हुआ है, तो क्या निकला? अभी क्या निकला आपके सामने, मैंने मौजूद, आपका क्या कहना है कि नहीं पिए हैं? शराब पिए मैंने। क्या नाम हुआ आपका? मोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट रोहतास। ठीक। दारू पीले थे, और क्या मामला है? दारू पिए थे, कब इनको दारू पीते हुए कब पकड़ा गया? वो हमको जानकारी नहीं, हम बाहर में थे, तो मतलब कोई थाना वाला स्टाफ लोग पकड़े थे, स्टाफ लोग पकड़ा था, बाकी बात हमारा जानकारी नहीं। तो आप ही के विभाग का था, कुछ कटसी वगैरह नहीं किया क्या आप लोग? जी कटसी नहीं किए, कुछ बचाव नहीं किया आप लोग? कैसे बचाव आदमी करेगा, नौकरी किसको देना है? अच्छा, नौकरी किसको देना है, बचाव करेगा आदमी? सरकार की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना शराब नहीं पीना है, और ऐसे में पुलिस वाले ही धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो उड़ाने वाला जाने की हम लोग क्या जानेंगे, उड़ाने वाला आदमी जानेगा ना जो कानून के खिलाफ चल रहा है। हम तो कानून के खिलाफ नहीं चल रहे हैं, अब जो कानून के खिलाफ क्या फर्दर क्या कार्रवाई होगी सर? FIR होगा, जेल जाएंगे। जेल जाएंगे एकदम निश्चित। आप अपना नाम बता दीजिए। SI पूरन सिंह। रेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुंचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान।